सुनो, ये किसी गाय भैंस का कुछ पैर वैर लग रहा है। और ये हमारी सब्जियां कटती हुई मक्खन अमूल। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हम निकल गए फिर से नए एडवेंचर पे। तो हम जा रहे हैं इस बार हिमाचल। हिमाचल में हम कहाँ जा रहे हैं भाई? तीर्थन वैली यार ना। तीर्थन वैली जा रहे हैं और दो तीन जगह और हैं वहाँ पे होते हुए जाएंगे। तीर्थन वैली, उससे पहले जीबी पड़ता है और एक सैंज वैली है और शानगढ़। तो ये दो तीन जगह हम जाएंगे और वहाँ पे बहुत कुछ इस बार नया करने वाला हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, बट कोई सीरियस कुछ चीज़ नहीं होगी। और ये कीड़े आ गए बहन के। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो हो गया। तो गाइस अभी हम टोल पे हैं और ये आदमी सो रहा है। सोलो भाई, सोलो। डाल देंगे वैसे को। तो भाई तीन बज गए ना। हाँ, 2:55 हो रहे हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया है, पंचकुला पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं आज मंडी में रुकते हैं रात को और फिर सुबह निकलेंगे। 2-3 घंटे का रास्ता रह जाएगा वहाँ से। तो ठीक है, सो जाओ भाई, सो जाओ। जब एक ढाबे पे रुके थे खाना खाने, थाली आ गई है अपनी। तो ये ढाबा है, 3 बज रहे हैं तो अभी तो कुछ खुला मिला नहीं, ज़्यादा तो यही मिला है, तो खाते हैं फिर निकलते हैं। भाई कल के व्लॉग में ना बहुत कुछ बढ़िया और नया होने वाला है। गोलियाँ चलने वाली हैं, गोलियाँ कल दिखाता हूँ भाई सुबह सुबह। तो भाई चंडीगढ़ पहुँच गए, चंडीगढ़ CND डलवाने रुके हैं यहाँ पे। प्रेशर कितना आ रहा भाई? 200। बता देना कितने आ गए हैं। 200 करके आ रहा हूँ। सेट नहीं हो पा रहे क्या? थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार। क्या ये आदमी बावड़ा। तो गाइस सुबह हो गई है, रात को हम यही सो गए थे, मतलब थोड़ा सा दूर, तो अभी उठ गए हैं। तो भाई आंखों की बुरी हालत हो गई है, मतलब रात को दम सो गए थे। 5:30 बजे नींद आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो 5 बजे हम सो गए थे, अभी बज रहे हैं 7। 2 घंटे सोए हम उठे तो एक ढाबा मिला, तो ढाबे में हम चाय पराठा खाएंगे फिर निकलेंगे। तो ये जो ढाबा है, इन्होंने देखो क्या क्या लगा रखा है। एक ये गाड़ी है, ओपन जीप, ठीक है। सामने एक ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर लगाया हुआ है। एक ट्रक है, थीम बना रखी है गांव वाली, पंजाब का जो गांव होता है ना, वैसे वाली थीम बनाई हुई है। तो बढ़िया लग रहा है यार, मन तो कर रहा है गाड़ी लेके भाग जाऊँ ये वाली, बट चाबी नहीं है इसकी, चला नहीं सकते, बंद है गाड़ी। तो बहुत लेट हो गए भाई हम। मेरा प्लान था कि हम पहुँच जाएंगे 8-9 बजे तक पहुँच जाए तीर्थन वैली, बट 7 तो हम यहीं बज रहे हैं। अभी हम पहाड़ पे भी, मतलब पहाड़ पे तो आ गए हैं बट पूरा पहाड़ पे चढ़ नहीं पाए हैं प्रॉपर। अभी हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा आ गए हैं, वहाँ पे वो है ट्रैक्टर भी चल रहा हूँ। मेरी फोटो दो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो मेरी फोटो नहीं खींच रहे? अरे खींचेंगे ना फोटो भी, अपनी ट्रक भी चल रहे हैं। ये अपना तेरा क्या होता है, जो है सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं ट्रक पे चढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। ये चाबी दाना इसकी। चल जाता है भैया, ये चालू हो जाएगा क्या? चालू हो जाएगा ये? देना चाबी एक बार। यहाँ पे अपना मलाई मक्खन आ गया है, अचार पराठे आ रहे हैं। हमने मलाई मक्खन और 2 पराठे ऑर्डर करे हैं, तो खा के यहाँ से निकलते हैं बोला फटाफट। हाँ भाई, टेस्ट करके बताना जरा कैसा है। टेस्ट तो कर लो, मेरा छोड़ दीजो। बढ़िया है। तो गाइस ये है प्योर वाइट मक्खन, नींबू का अचार, और एकदम बढ़िया हो रहा है। चढ़ो ना, इधर चढ़ोगे और इधर पंखे टका दो अपने। ओ भाई, तो गाइस हम अपना पराठा परोठा हो गया है मक्खन मार के। ये है भूरे दा ढाबा। तो भाई बेस्ट खाना है, बेस्ट पराठा, बेस्ट मक्खन, सब कुछ बेस्ट है यहाँ का। अगर मनाली साइड जा रहे हो तो भूरे के ढाबे पर जरूर रुकना।
चलो फिर निकले अपना ट्रैक्टर लेके। क्या रास्ता यार, देखो भाई जरा मस्त नीट एंड क्लीन, सीधी रोड, सामने पहाड़, हिमाचल बढ़िया है भाई। ना लोगों ने कवर कर रखे लाल लाल, ये पता नहीं सेब है क्या है, एक बार चेक करते हैं जरा। कुछ तो है भाई, फ्रूट है ये, देखो लाल कलर के दिख रहे होंगे ये अंदर। क्या ऑरेंज है क्या है ये, बहुत लाल। अबे आड़ू है ये, आड़ू है, आड़ू तेरी फाड़ू। तो यहाँ के लोग इतने भोले हैं, रास्ता जैसे खराब होता है ना, ये जो खराब रास्ता आ रहा है, मैंने पीछे चार लोगों से पूछा अंकल आगे रास्ता कैसा है, ये देखो ऐसा रास्ता है, कह रहे ठीक है रास्ता, बढ़िया रास्ता है। तो इतने भोले लोग हैं, इनके लिए ये रास्ता ठीक होता है, जो हमारे लिए ख़राब है। अभी पूछूंगा ना, आगे आगे दिखाऊंगा, किसी से पूछूंगा तब दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा ड्राइव करके हम पहुँच गए हैं तीर्थन वैली। अब सामने का सीन दिखाता हूँ, ये देखो ये ब्रिज बना हुआ है, ये क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है, सामने विलेज है, यहाँ गाड़ी लग जाएगी, रात को सोच रहे हैं यही स्टे करेंगे। सो गाइस अभी हम तीर्थन वैली आ गए, फॉरेस्ट वाली जगह पे। तो मैं कार लगा रहा था पार्किंग, मतलब जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले थे उस जगह पे कार लगा रहा था। तो मैंने नीचे अभी दिखाता हूँ क्या देखा। ये दिख रहा है, पास से दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये किसी गाय भैंस का कुछ पैर वैर लग रहा है। ये जंगल खतरनाक है भाई, तेंदुए शेर सब घूमता है। मिलते हैं थोड़ी देर में आगे लोकेशन पे। क्या भाई कैसा लग रहा है फिर? वो तो इसमें क्या है, हड्डी तो बढ़िया, तो हड्डी किसकी है, वो गाय भैंस का होगा, तो किसने डाली होगी। तो वो तो है ही, शेर तो यहाँ पे होते ही जंगल में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बाहर तो निकलो, बाहर के निकल ले, बाहर के निकलना भाई। अरे निकल लो बाहर। अरे भाई खाना भूल गई, चलो जब लेट हो रहा है। भूख लग रही है, ये रखी तो है, खा लो आपके लिए भाई, वेजिटेरियन हूं मैं। तो गाइस अभी शाम हो गई है, सो के उठ गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकले हैं अभी। ये गाड़ी आ रही है, निकट जाओ भाई निकट जाओ। तो अभी सो गए थे, दोपहर को बहुत थकान हो रही थी, दो तीन घंटे सोए। फिर अब बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने, मैगी वैगी सब्जी वगैरह जो रात को बनाएंगे, फिर उसके बाद आग वाग जलाएंगे, बड़ी अच्छी कैंपिंग करेंगे, वो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिर कल यहाँ से देखते हैं सीन, देखो पीछे का ये दिख रहा होगा पूरा, ये वैली है, वहाँ पे पीछे रिवर बह रही है। और बाकी ठीक है तीर्थन वैली, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझको, ये रोड बहुत ख़राब है यार यहाँ के। तो भाई आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आना, जिसको ड्राइविंग आती हो, जो ड्राइविंग परफेक्ट हो वो ही आए, मैं तो परफेक्ट हूँ ना। तो वैसे जगह अच्छी है, बट थोड़ा सा थकान वाला रास्ता है, बहुत धूल मिट्टी है ना। Thank you.
और ये हमारी सब्जियां कटती हुई। मजा आ रहा है। मूल मक्खन और इसमें गार्लिक मक्खन में फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, उसके बाद अपन डालेंगे इसमें और सब्जी। रात हो गई, हमें बनाते बनाते लेट हो गए थे, शाम को उठे, यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता पहाड़ों पे। अभी मैगी बन के रेडी नहीं हुई हमारी, जिगरा देखो भाई, ये रात हो रही है इस टाइम पे और कहाँ से क्रॉस कर रहा बंदा। मुझे इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा, कैमरे में बेशक दिख रहा हो, नाइट मोड ऑन है, धुआं कहाँ से निकल रहा। बनी नहीं मैगी भाई, तो गाइस अपनी मैगी फाइनली बनके रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब दूसरी मैगी बनाएंगे आज, तो भाई मैगी है हम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, कुछ परचेज नहीं कर पाए हम ज़्यादा। तो ये रिवर बह रही है सामने, इतने मोटे मोटे गार्लिक डाल रहे हैं उसमें। भाई इस बार नाइट कैंपिंग होगी हमारी, है बाल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, राइफल है अपने पास, पानी बताओ पानी जम जाएगा मक्खन में, पानी मत डालो, पानी ठंडा भाई, भाई पानी जम जाएगा, मेरी बात मान लो, ऐसे रखो। क्या कर रहे हो, पानी सूखने दो भैया, अभी नहीं, अभी मत निकालो, अभी बहुत तरी है इसमें, गिर जाएगा सब। ये वाला ब्लॉक सुबह कितना मजा आया आने में। भाई ये देखो, ये है मक्खन, अब इसमें जाएगी सब्जी, हरी मिर्च और लहसुन हमने मस्त फ्राई कर लिया है, डाल दो सर। अरे वो जल जाएगा, ब्राउन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मजा ही आ गया उसमें, इस कुकिंग का क्रेडिट हमारे सुनील सर को जाता है। मस्त लग रहा है, मस्त। और इस टाइम आप वही लग रहे हो बिल्कुल, कबाड़ी वाले। क्या है इसमें, कोयला, इसमें क्या है, कोयला। भाई रात हो रही, कुछ नहीं दिख रहा, तुम भी भाई भूत से कम नहीं लग रहे, दिल्ली में ऐसे चल के दिखा दो ये बोरा लेके। अब तो बना ली, तो बना ली, क्या है बोरे में, कबाड़ी वाले। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया और अपना कैंप में आ गए हैं, कैंप इन द सेंस गाड़ी, ये बेड है अपना। भाई ये लैपटॉप वाला बैग हटाओ अपना, अपना यहीं पैर फैला के सोएंगे बढ़िया करके। इधर नदी बह रही है, पानी की आवाज़ आ रही होगी, वहाँ उस साइड पे रिजॉर्ट बने हुए, ये रिवर साइड है, ये अपनी गाड़ी का कैंप है, ठीक है, सीट फोल्ड हो गई है, बेड लग गया है, पैर फैला के सोएंगे मस्त यहीं पे। आप दिख रहे हो, भाई तुम पागल आदमी हो, तुम फंसवाओगे, लो
हाँ चलो हाँ ऐसे तो गाइस शूटिंग वगैरह हो गई है अपनी ब्लॉग में जो तो अपनी शूटिंग वगैरह हो गई है कैसा मजा आया किसी ने ऊपर के मेरे को नारी में भाई मैंने पाड़े ने मैं चप्पल मारूंगा एडिडास की है 4000 रुपया की वीडियो पड़ी है भाई के बज रहे हैं यहाँ पे जितने 11-12 बज रहे होंगे हम रिवर साइड पे हैं तो गाड़ी में मतलब सो रहे थे कैंप वगैरह लगाया हुआ है बाहर आवाज वगैरह आ रही थी कुछ जानवर वगैरह की तो हमने थोड़ा बाहर निकल के शूटिंग वूटिंग कर दी थोड़ी